मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के जाने के बाद नई सरकार के गठन की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सरकार गठन के साथ ही सभी की निगाहें टिक गई हैं ग्वालियर चंबल संभाग पर, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इसका एहसास है कि नई सरकार कितने दिनों तक चलेगी। काफी कुछ ग्वालियर चंबल संभाग ही तय करेगा, क्योंकि यहाँ 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और दांव पर लगेगी राजा और महाराजा की इज्जत। जी हाँ, ग्वालियर चंबल संभाग तय करने वाला है कि मध्य प्रदेश की नई सरकार टिकाऊ होगी या चलताऊ। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे तब तक उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं से ही सबसे ज्यादा चुनौतियां मिलती रही। ग्वालियर चंबल संभाग को ज्योतिरादित्य का गढ़ माना जाता है और यही वो क्षेत्र है जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की भी मजबूत पकड़ है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण दिग्विजय सिंह ही थे, जिन्होंने सिंधिया को मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग थलग कर दिया था। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो उनके साथ 22 विधायक भी कांग्रेस से अलग हो गए, जिसमें से 16 ग्वालियर चंबल संभाग के ही हैं। अब यहां 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं और ये उपचुनाव ही बताएगा कि प्रदेश में सरकार किसकी रहेगी। कमलनाथ वापसी करेंगे या फिर बीजेपी की सरकार आसानी से पूरा करेगी अपना कार्यकाल, ये तो तय माना जा रहा है कि बीजेपी सिंधिया समर्थक उन सभी नेताओं को टिकट देगी जो अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि कांग्रेस में टिकट दिग्विजय सिंह की मर्जी से ही बांटे जाएंगे। पहले ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण में दिग्विजय और सिंधिया के बीच जमकर रस्साकशी चलती थी, लेकिन सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद अधिकांश सिंधिया समर्थक भी पार्टी छोड़ गए हैं। इसीलिए अब दिग्विजय सिंह के लिए पार्टी के अंदर तो इस क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अब चुनौती दिग्विजय सिंह को यहां अपना प्रभाव दिखाने की है। कांग्रेस के अंदर उपचुनाव वाली सीटों पर उम्मीदवारों की खोज अभी से शुरू कर दी गई है और यहां की सभी सीटों पर कांग्रेस दिग्विजय की पसंद के ही उम्मीदवार उतारने का मन बना चुकी है। इसलिए इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में राजा और महाराजा के बीच दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।